जय श्री राम दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं एक और नर्ड के साथ वापिस। गाइज अगर अभी आप लोग अपने BGMI को ओपन करते हो और मैप सेक्शन पे क्लिक करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों भाई थीम मोड 3.3 अपडेट वाला जा चुका है। एंड गाइज अभी आप में से काफी सारे भाई लोग जानना चाहते हो कि भाई अब अपना 3.4 का अपडेट कब आएगा, तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा अपना भाई 3.4 का अपडेट कब आएगा। साथ ही साथ गाइज 3.4 के अपडेट में आप लोग को जो भी नई चीजें देखने को मिलने वाली है कंफर्म वाली, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइज देखो आप लोग ये वाला रिवर स्टिक्स ग्रोजा, जो कि गाइज मैंने आप लोग को लीक्स वीडियो में बहुत पहले दिखा रखा था और मैंने बोला था कि भाई ये आप लोग को अल्टीमेट सेट के साथ में रिटर्निंग आइटम में देखने को मिलने वाला है, तो भाई ये अभी कंफर्म हो चुका है। ये ग्रोजा आपका आ रहा है भाई 27 सितंबर को, और 27 सितंबर को भाई अल्टीमेट स्पिन के साथ में ये भाई ग्रोजा आप लोग को रिटर्निंग आइटम में तो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका एक अलग से क्रेड भी आएगा कुछ इस टाइप का। बाकी गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आप लोग का भाई DBS अपग्रेड गन आने वाला है, ये आप लोग का भाई लकी ट्रेजर में नहीं आ रहा है, BGMI के अंदर में भाई ये कन्फर्म हो चुका है कि भाई इसका एक अलग से क्रेड आएगा। पबजी ग्लोबल में तो भाई इसका भाई लकी ट्रेजर आया था, जहाँ पे आप लोग को भाई 4 से 5 हज़ार में गारंटेड DBS की अपग्रेड स्किन मिल रही थी, लेकिन भाई BGMI में ऐसा सिस्टम नहीं होने वाला है, इसका एक अलग से क्रेड आने वाला है। फिलहाल गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ रिवॉर्ड जो कि गाइस इस वाले क्रेड में आप लोग को देखने को मिलने वाले है। ये DBS यहाँ पे मेन अपग्रेड गन होने वाला है, जो कि यार काफी ज्यादा यार गजब का है। किल मैसेज वगैरह इसका जबरदस्त है, बाकी देख सकते हो हीट इफेक्ट वगैरह भी देखने को मिल जाता है, और देख सकते हो इसका भाई सारा का सारा लेवल बेसिक फॉर्म में देख सकते हो, यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइस इसका जो एडवांस फॉर्म है वो कुछ इस टाइप से आप लोग को भाई देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप लोग ब्रॉडकास्ट चेकआउट कर सकते हो और गाइस हीट इफेक्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी गाइस इसके बाद यहाँ पे आप देखो ये होला बड़ी, जो कि गाइस आप लोग को स्पिन में देखने को मिलने वाला है, ये भी कन्फर्म हो चुका है, इसका स्पिन आने वाला है बहुत ही जल्दी पबजी एंड BGMI के अंदर में। देख सकते हो ये कुछ इस टाइप के भाई आप लोग को स्किन देखने को मिल जाते हैं, और ये सारे के सारे स्किन आप लोग को भाई पबजी एंड BGMI दोनों के अंदर में देखने को मिलने वाला है। बाकी गाइस एक स्पिन भी आने वाला है, जो कि गाइस देख सकते हो PDP स्पिन होने वाला है, ये कुछ आउटफिट आप लोग देख सकते हो, और गाइस यहाँ पे गन की स्किन भी है जो कि यार थॉम्सन है। तो यार ये सारे रिवॉर्ड्स आप लोगों को भाई लकी स्पिन में देखने को मिलने वाला है, ये भी कन्फर्म लिख से गाइस कन्फर्म आप लोग को 3.4 के अपडेट में पबजी एंड BGMI दोनों के अंदर में देखने को मिलने वाला है, ये कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पे ये मम्मी सेट टाइप का भी भाई एक सेट देखने को मिल जाता है, बाकी ये थॉम्सन आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके बाद एक खतरनाक सा भाई और स्पिन आप लोग को देखने को मिलने वाला है, जो कि गाइस इस वाले सेट का होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे ये जो सेट है ना, ये काफी यार भयानक सा लग रहा है, देख सकते हो मास्क वगैरह इसका भाई क्या ही जबरदस्त लग रहा है। बाकी बैकपैक आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ये सारे जो रिवॉर्ड आप लोग देख रहे हो भाई इस वाले स्पिन के, ये सारे के सारे भाई आप लोग को लकी स्पिन में देखने को मिलने वाला है, और लकी स्पिन भाई पबजी एंड BGMI दोनों के अंदर में आप लोग को भाई देखने को मिलेगा। बाकी गाइस आप लोग का टेकन 8 का प्राइस पद पबजी एंड BGMI में 100% आ रहा है, 30 सितंबर को भाई पबजी ग्लोबल में आ रहा है, तो शायद आप लोग भाई 30 सितंबर को ही BGMI के अंदर में भी देखने को मिल जाए, जहाँ पे भाई आप लोग शायद 600 UC से इसे अनलॉक कर पाओगे, और 20 लेवल तक का भाई टोटल ये टेकन 8 का प्राइस पास होने वाला है। बाकी इसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रीमियम क्रेड के बारे में, ये जो प्रीमियम क्रेड का आप लोग देख रहे हो ये आप लोग को भाई BGMI के अंदर में 100% देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे ये सारे रिवॉर्ड आप लोग भाई देखने को मिलने वाले हैं। देख सकते हो यार ये हेलमेट वगैरह, बाकी ये आउटफिट मुझे काफी गजब का लगा है, ये जो आउटफिट मिथिक वाला है ये भाई बहुत ही ज्यादा यार जबरदस्त है। बाकी यहाँ पे बैकपैक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो, और भी काफी सारे यहाँ पे रिवॉर्ड देखने को मिल जाते हैं। बाकी यार यहाँ पे एक अपग्रेडेबल AKM भी है, जिसका यार काफी सारे भाई लोग डिमांड कर रहे हैं प्रीमियम क्रेड में आने का। तो यार ऐसा न्यूज निकल के आ रहा था कि किसी एक जगह पे अपग्रेड का हमें देखने को मिल सकता है प्रीमियम क्रेड में या फिर मिथिक फोर्स में। वैसे यार अपना जो मिथिक फोर्स है अभी उसका एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आया है, जो यार मैं अभी आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल गाइस आप लोगों को शायद प्रीमियम क्रेड में अपग्रेड गन देखने को मिल सकता है वर्ल्ड वाइड 0.1%
चांसेस आप मान के चलो। एंड इसके बाद गाइज अभी हम बात करते हैं अपने मीथिक फोर्स के बारे में। अपना ये जो मीथिक फोर्स है ये रिप्रेस नहीं होने वाला है, ऐसा हमारे प्रियांग भाई ने बताया है जो हमें लीक्स प्रोवाइड करते हैं। जी आप लोगों ने एकदम सही सुना, आज की डेट में भाई ये मिथिक फोर्स रिफ्रेश होना चाहिए, लेकिन भाई कल की डेट में ही शाम को न्यूज निकल के आ चुकी कि भाई ये मिथिक फोर्स सेम यही 3.4 के अपडेट में भी हमें देखने को मिलेगा, कोई भी न्यू मिथिक फोर्स हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब जो अपना स्मूथ हिटमैन सेट वगैरह आने वाले थे, 3 आउटफिट के लीक्स निकल के आए थे, तो भाई वो आउटफिट नहीं आने वाले हैं, यही का यही भाई मिथिक फोर्स रहने वाला है, ऐसा न्यूज निकल के आया है। अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारी 16 सितंबर वाली वीडियो देखी रही होगी तो वहां पे मैंने क्या बोला था वो आप लोग अभी सुनो। तो भाई ये अभी कंफर्म है कि आप लोग को 3.4 के अपडेट में ये स्मूथ हिटमैन सेट देखने को मिलने वाला है, 99.9% कंफर्म है। लेकिन गाइस अगर क्या पता बीच में आई वालों का कहीं मूड सनक गया तो भाई ये भाई रिवॉर्ड शायद ना ही दे। तो गाइस मैंने आप लोगों को बोला था कि BGMI के 3.4 अपडेट में आप लोग को स्मूथ हिटमैन सेट देखने को मिलने वाला है कंफर्म 99.9%, लेकिन 100% इसी वजह से मैंने नहीं बोला क्योंकि भाई BGMI वालों का अगर मूड सनक गया तो भाई वो शायद ये रिवॉर्ड भी ना दे, इसीलिए भाई मैंने ऐसे बोला क्योंकि भाई BGMI वाले कुछ भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखो ये नायर क्रेड जो कि गाइस आप लोग को BGMI के अंदर में भी देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को कुछ इस टाइप का ये मेल कैरेक्टर का आउटफिट देखने को मिल जाता है जो कि अपना 9S सेट है, देख सकते हो यार कुछ इस टाइप से ये देखने को मिल जाता है इसका। भाई यहाँ पे ग्लास वगैरह भी आप देख सकते हो, साथ ही साथ हेडगियर इसका देख सकते हो जो कि यार हेयर स्टाइल है। भाई गाइस यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस टाइप का भी ये लेजेंडरी सेट देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक फीमेल कैरेक्टर का भी सेट देखने को मिल जाता है। तो ये सारे रिवॉर्ड आप लोगों को भाई BGMI के अंदर में भी देखने को मिलने वाले हैं 3.4 के अपडेट में। तो भाई देख सकते हो ये नायर क्रेड के भाई रिवॉर्ड, यहाँ पे मेल कैरेक्टर वाला जो आउटफिट है ये मुझे यार अच्छा लगा है। वैसे भाई हेयर सबसे पहले हटा देते हैं, हाँ अभी देख सकते हो ये सारे रिवॉर्ड आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं BGMI के अंदर में भी। बाकी गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई प्रीमियम क्रेड में शायद आप लोग को अपग्रेड गन देखने को ना मिले, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा था क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख सकते हो पबजी कोरिया में एक प्रीमियम क्रेड आया है जो कि गाइस देख सकते हो ये प्रीमियम क्रेड है, यहाँ पे भाई आप लोग को ये वाला मिथिक आउटफिट देखने को मिल जाता है जो यार इमोट के साथ में देखने को मिलता है। क्या यार जबरदस्त है भाई सेट। बाकी यहाँ पे आप लोग को भाई M762 का स्किन जो कि यार अपना बैरल है ये भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और भी कुछ रिवॉर्ड है जैसे कि गाइस देख सकते हो ये लेजेंडरी वाले आउटफिट, एंड यहाँ पे बैकपैक वगैरह आप लोग देख सकते हो, ये हेडगियर साथ ही साथ हेलमेट आप लोग देख सकते हो, और भी बैकपैक बाकी गाइस यहाँ पे बैकपैक वगैरह, एंड यहाँ पे USZ भी आप लोग को देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप का, एंड यहाँ पे ये वाला भाई लेजेंडरी सेट भी देखने को मिल जाता है। ये तो भाई मिथिक हुआ करता था, फिलहाल ये लेजेंडरी है। बाकी देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये मिथिक सेट देखने को मिल जाता है जो कि भाई आप लोग का इमोट के साथ में देखने को मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो अपना BGMI का फर्स्ट प्रीमियम क्रेड होगा वो कुछ इसी टाइप का हो सकता है, मतलब BGMI वाले यही सेम आउटफिट दे सकते हैं या फिर भाई कुछ अलग से अपने से भाई ये दे सकते हैं। इसके बाद गाइस अभी हम बात करते हैं अपने UC इवेंट के बारे में। गाइस कल का जो BGMI का पॉडकास्ट वीडियो आया था उसमें काफी सारे भाई लीक्स निकल के आ चुके, लेकिन गाइस UC इवेंट का कोई भी लीक्स निकल के नहीं आया है, ना ही कोई न्यूज आया है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को UC इवेंट कब तक देखने को मिल सकता है। गाइस अगर आप लोगों को एडिशन वाले UC इवेंट देखने को मिलते हैं, जैसे यार पिछले बार आया था एक सूट एडिशन, सुपर कार एडिशन, गोल्ड स्पिन एडिशन, अगर उस टाइप का भाई आप लोग को UC इवेंट देखने को मिलता है तो आप लोग ये मान के चलो भाई 20 सितंबर को या फिर आप लोग को 27 सितंबर को UC इवेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर अपने नॉर्मल वाले UC इवेंट आते हैं जैसे कि यार पहले आते थे UC अप वाले इवेंट, उस टाइप का अगर UC इवेंट आता है तो भाई आप लोग ये मान के चलो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोग को UC इवेंट देखने को मिल सकता है। बट हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कि भाई 20 सितंबर या फिर आप लोग को 27 सितंबर तक UC इवेंट देखने को मिल जाए। एंड गाइस अभी हम बात करते हैं अपने BGMI के 3.4 अपडेट के रिलीज डेट के बारे में। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं कि 20 सितंबर को आप लोगों को BGMI के अंदर में अपडेट देखने को मिलने वाला है, और अभी भी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि भाई 20 सितंबर को ही आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई अपने BGMI के अंदर में जो रॉयल पास आने वाला है
वो 22 सितंबर को आने वाला है, न्यू सीजन भी 22 सितंबर को आने वाला है। तो मतलब भाई उससे पहले इनको लोग को अपडेट देना ही पड़ेगा। और उसको तो भाई आप लोग छोड़ो, उसको साइड में रख दो, 20 सितंबर को भाई आप लोग का सुपर कार का भाई स्पिन आने वाला है। तो भाई सुपर कार का स्पिन जो आ रहा है वो 3.4 के अपडेट में ही आ रहा है, ना कि 3.3 के अपडेट में। तो आप लोग भाई यही मान के चलो कि भाई 20 सितंबर को अगर आप लोग का सुपर कार का स्पिन आने वाला है तो भाई 20 मई के अंदर में तो यार कन्फर्म आप लोग को भाई 3.4 का अपडेट 20 सितंबर को देखने को मिलने वाला है। 20 सितंबर को आप लोग को भाई 3.4 का अपडेट भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ये वाले सुपर कार का स्पिन भी देखने को मिलेगा और भी काफी सारे इवेंट भी देखने को मिलने वाले हैं। 20 तारीख मतलब कि भाई कल की डेट में सुबह 6 बजे के बाद से भाई आप लोग को 3.4 अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यार आप लोग रेडी रहना और गाइस आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि भाई जैसे ही 3.4 का अपडेट का डाउनलोड लिंक आएगा मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोग को भाई दे दूंगा, ठीक है। और आप लोग को तो भाई ये पता होगा कि भाई प्ले स्टोर पे अपडेट आने से पहले BGMI के अपडेट का डाउनलोड लिंक यूट्यूबर्स के पास आ जाते हैं। तो भाई जैसे ही हमारे पास आएगा टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वन क्लिक में भाई आप लोग अपने BGMI को अपडेट कर पाओगे 3.4 वर्जन में। तो भाई टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर से करके रखना। फिलहाल गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और भी कोई डाउट होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। चलिए यार आज के लिए इतना ही, मिलता है आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।